औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फ्लू। फ्लू वायरस, यानी फ्लू वायरस क्या है, ज़ुकाम वाले वायरस की क्या सिम्टम्स होंगी और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। सो फ्लू क्या है? फ्लू इट इज़ द मोस्ट फेमिलियर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन इन द वर्ल्ड। तमाम कायनात में फ्लू बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जो कि ज़ुकाम जिसे कहलाता है या जिसे नज़ला भी कहलाया जा सकता है। सो मोस्ट फेमिलियर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है वर्ल्ड में, और ये फ्लू की जो बीमारी है, इट इज़ मोस्ट कॉमन इन कोल्डर मंथ्स ऑफ द ईयर। ठीक है, सो ये कोल्डर मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन है कोल्डर मंथ्स में, यानी मौसम में, सर्मा में ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हवा खुश्क होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक खुश्क हो जाती है तो पर्सनल डिफेंस की कमी हो जाती है, इसलिए ये वायरस ज़्यादा असर करता है मौसम में सर्मा में, सर्दी के मौसम में ये वायरस बहुत ज़्यादा। एंड इट इज़ अ कंटीजियस डिजीज़। कंटीजियस डिजीज़ मीन्स कि एक इंसान से दूसरे इंसान को बहुत आसानी से ये ट्रांसफ़र हो जाता है। ये ईयरबॉर्न डिजीज़ है, थ्रू स्नीजिंग, खबिंग, इसके ज़रिए एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं इसके काजेज पे। फ्लू क्या है? फ्लू एक वायरल डिजीज़ है, सो इट इज़ काज्ड बाय अ वायरस। ठीक है, और ये वायरस है आरएनए कंटेनिंग वायरस। इन्वॉल्व वायरस है, इन्वॉल्व भी सराउंडेड है आरएनए कंटेनिंग वायरस। इट इज़ ऊल इन शेप। शेप में क्या है? ऊल है ये वायरस। शेप में क्या है? ऊल है शेप में। और वाइड या स्पेरिकल, वाइड इज या स्पेरिकल इन शेप, या गोल है या बीज भी है, एग लाइक है शेप में। ठीक है, फिर इसके टाइप्स पे आते हैं। तो इसकी तीन टाइप्स है बेसिकली, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्लू वायरस। एक को हम कहते हैं हेपेटाइटिस, सॉरी ये फ्लू वायरस ए, फ्लू वायरस बी एंड फ्लू वायरस सी। ये तीन टाइप होते हैं फ्लू वायरस के। सो फ्लू वायरस ए, फ्लू वायरस बी एंड फ्लू वायरस सी। इट इज़ फाउंड इन मोस्ट एनिमल्स, ये अक्सर एनिमल्स में पाया जाता है। मिसाल के तौर पे ये ह्यूमंस में पाया जाता है, ह्यूमन के अलावा फिग्स में भी ये पाया जाता है। इसके अलावा है फ्लू वायरस बी। फ्लू वायरस बी इट इज़ ओनली फाउंड इन ह्यूमंस, ये सिर्फ इंसान को ही अटैक कर सकती है ये वायरस। इसके अलावा हेपेटाइटिस ये लेस कॉमन है और मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक है, इसके सिम्टम्स अपीयर नहीं होते, सिम्टोमेटिक होते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं वायरस की साइज पे, आते हैं इस फ्लू वायरस के साइज पे। सो 80 से लेकर 120 नैनोमीटर इन डायमीटर। साइज में कितना है? 80 से लेकर 120 नैनोमीटर तक इस वायरस का क्या है? डायमीटर है, चूँकि फ्लू वायरस। अब ये फ्लू वायरस ए एंड फ्लू वायरस बी इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप, ये अक्सर इन्फेक्शन काज करती है। क्या इन्फेक्शन? ज़ुकाम। ज़ुकाम की कौन से सिम्टम होंगे? सो हेडेक, सर में दर्द होगा, बॉडी एक्स, जिस्म दर्द करेगी, रनी नोज, नाक का बह जाना, नेज़ल ब्लॉकेड, नाक की बंदिश, सोर थ्रोट, गले के खारिश। ठीक है, और स्नीजिंग, फीवर, ये सिम्टम है फ्लू की। ठीक है, अब फ्लू वायरस के शक्ल को आते हैं। पहले तो इससे सराउंडेड है इनवेलोप, एंड ये इनवेलोप है लेपेड बाय लेयर, इट इज लीफेड बाय लेयर इनवेलोप है फ्लू वायरस की। अब इसमें ये इनवेलोप हो गया हमारे साथ, इट इज इन्वेलप। सो फ्लू वायरस एक इन्वॉल्व कंटेनिंग वायरस है। इस इन्वेलप पे प्रेजेंट है स्पाइक्स। क्या होते हैं इस पे? स्पाइक्स होते हैं। यहाँ पे हमारे साथ प्रेजेंट होते हैं दो टाइप्स के स्पाइक्स,
एक स्पाइक को हम कहते हैं एन ए स्पाइक और दूसरे स्पाइक्स को हम कहते हैं एच ए स्पाइक्स। ठीक है, ये जो मैंने रेड लाइन से आपको इंडिकेट की है इसको कहते हैं एच ए स्पाइक। ये है क्या? एच ए स्पाइक। एच ए का मतलब है हमारे साथ हीमा ग्लोटेनिन, हीमा ग्लोटेनिन। सो स्पाइक्स में आते हैं पहले एच ए स्पाइक्स पे, ये अबाउट 80% है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 80% अबाउट कौन से स्पाइक्स है? ये एच ए स्पाइक्स है। इट अटैचेस क्या करती है? अटैचेस वायरस टू होस्ट सेल, अटैचेस वायरस टू होस्ट सेल। दूसरे नंबर पे होते हैं एन ए स्पाइक्स। एन ए स्पाइक्स होते हैं मशरूम शेप्ड, ऐसे एक रॉड है जिसके टिप पे हमारे साथ प्रेजेंट है एक कैप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे, एंड दीज वी कॉल द एन ए स्पाइक्स। एन ए स्पाइक जिसे हम कहते हैं, इस एन ए स्पाइक मीन्स नीरा अमाइनाडेज या न्यूर अमाइनाडेज, न्यूर अमाइनाडेज इसका मतलब है। सो एन ए स्पाइक्स आप ले दीजिए यहाँ पे, ये है अबाउट 20% टोटल सरफेस पे, कम है। ये हेल्प करेगी होस्ट सेल से बाहर रिलीज होने में, मींस दैट ये हमारे साथ हो गया एक होस्ट सेल और इसमें एक फ्लू वायरस है। ये फ्लू वायरस होस्ट सेल से निकलेगा बाहर की तरफ। सो इस बाहर निकलने में कौन मदद करेगा? एन ए स्पाइक। ठीक है, इट रिलीज, इट हेल्प इन रिलीजिंग, हेल्प्स इन रिलीजिंग अप वायरस फ्रॉम होस्ट सेल। फ्रॉम अंदर प्रेजेंट है हमारे साथ प्रोटीन कोट। क्या है? प्रोटीन कोट, जिसे हम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। प्रोटीन कोट प्रेजेंट है और इस प्रोटीन कोट को हम मैट्रिक्स के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये क्या है? प्रोटीन कोट है यहाँ पे अंदर, इट इज मेड ऑफ प्रोटीन, या जिसे हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अंदर प्रेजेंट है 8 सेपरेट पीसेस ऑफ आरएनए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड है। अब हेपेटाइट फ्लू वायरस ए में और फ्लू वायरस बी में 8 कॉपीज है आरएनए के, 8 डिफरेंट कॉपीज ऑफ आरएनए। सो इट जीनोम कंसिस्ट ऑफ 8 सेपरेट एंड डिफरेंट कॉपीज ऑफ आर एन ए, इसके जन्म में प्रेजेंट है। अब इस फ्लू वायरस ए में और फ्लू वायरस बी में 8 कॉपीज है, लेकिन फ्लू वायरस सी में इट इज कंपोज ऑफ 7 कॉपीज। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट वायरस। होप दैट यू अंडरस्टैंड बेटर। हमें अपने गाँव में याद रखिए। खुदा हाफिज़।